हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पाव भाजी बनाना। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पाव भाजी बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए ये हमने कुछ सब्जियां लिए हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है धो के। एक गोभी का फूल लिया है छोटा सा मीडियम साइज का, इसको भी मैंने मोटे मोटे कट कर लिया है। और 250 ग्राम के आसपास मैंने कद्दू लिया है और इसको भी कट कर लिया है। 3 गाजर ली हैं, इसको भी मोटा मोटा कट कर लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी कट कर लिया है। और 1 कटोरी मैंने मटर लिए हैं। और ये मैंने 1 चुकंदर लिया है, इसको भी कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं पाव भाजी। ये मैंने एक कुकर लिया है, इस कुकर के अंदर मैं ये आलू डाल दूंगी, गाजर, गोभी, और ये कद्दू भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और ये मैं टमाटर भी इसी में डाल दूंगी, और साथ ही मैं इसके अंदर चुकंदर भी डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, नमक अपने स्वाद अनुसार डालूंगी मैं इसमें। और इसमें मैं ये आधी कटोरी पानी डाल दूंगी। और कुकर को मैं बंद कर दूंगी, 2 से 3 इसमें विशल आने तक का। मैं ये हमारे कुकर में 3 विशल आ चुकी हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है। विशल खत्म होने तक हम इंतजार करेंगे। तक हमारे कुकर की विशल निकलती है तब तक हम भाजी का तड़का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, इसको बारीक कट कर लिया है। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और 1 मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसको भी बारीक कट कर लिया है। ये मैंने 1 चम्मच देगी मिर्च ली है, और 1 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला लिया है। तो अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी, आप चाहे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। लहसुन हमारा भून चुका है, अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। और प्याज को मैं भून लूंगी। प्याज के साथ ही मैं ये मटर डाल दूंगी, मैंने मटर को बॉईल नहीं किया है। बिल्कुल आसान तरीके से हम पाव भाजी बनाएंगे। और अब मैं इसमें ये अदरक के टुकड़े, बारीक कटा हुआ अदरक डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ये देगी मिर्च और ये भाजी मसाला डाल दूंगी। और इस मसाले को मैं ढक के 1 से 2 मिनट स्लो गैस पे पकने दूंगी, जब तक हमारे ये मटर गलेंगे। ये हमारी कुकर की विशल निकल चुकी है, अब हम कुकर को खोलेंगे, अपनी सब्जियां देख लेते हैं। ये हमारी सब्जियां कितनी अच्छे से गल कर तैयार हुई हैं, देखो। अब मैं इन्हें मैसर से, इस मैस से मैस कर लूंगी सब्जियों को। और ये हमारी सब्जी अच्छे से मैश हो चुकी हैं, देखो कितने बढ़िया से मैश हो गई हैं। ये देखो कितने बढ़िया से मैश हुई है हमारी सब्जी। और अब हम ये मसाला भी चेक कर लेते हैं, मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। और मैं मटर भी चेक कर लेती हूँ, मटर भी अच्छे से गल चुकी हैं। मैं इसमें ये शिमला मिर्च डाल दूंगी,
गैस का फ्लेम मैं तेज कर दूंगी। और साथ ही मैं ये भाजी डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी भाजी को। और ये हमारी भाजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले के अंदर। अब मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो आइए भाजी चेक कर लेते हैं। ये हमारी भाजी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। हमने इसमें फ्रूट कलर नहीं डाला, हमने ये चुकंदर से ऐसा कलर आया है भाजी का। अब मैं भाजी को एक साइड में उतार के रख दूंगी। ये मैंने एक तवा लिया है, मैंने पाव का पैकेट लिया है, तो पैकेट से बाहर निकाल लूंगी। मैं ये पाव कट कर लूंगी। इस प्रकार से मैंने ये कट कर लिया है। थोड़ा सा बटर तवे पे डालूंगी और साथ ही मैं ये भाजी डाल दूंगी तवे पे। बिल्कुल बाजार की जैसी हम पाव भाजी तैयार करेंगे। और ये मैंने बटर को इधर रख दिया है और एक एक करके मैं ये पाव तलूंगी और साथ में मैं इसके थोड़ी सी भाजी भी लगा दूंगी। ये पाव हमारा सिक चुका है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी और इसी प्रकार से मैं अपना ये दूसरा पाव भी सेकूंगी। ये मैंने बटर लगा दिया है इस पे और ये पाव अच्छे से सिक कर तैयार हो गया है हमारा। ये इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये भाजी हमारी अच्छे से मक्खन में भून चुकी है। इसे मैं प्लेट में सर्व कर लूंगी। मैं इस पे थोड़ा सा धनिया डालूंगी और ये मैंने थोड़े से प्याज कट करे हैं। ये हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने पाव भाजी बनाकर तैयार की है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।